आखिर ये पता कैसे चला कि विराट और अनुष्का की शादी है? ये भी किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। विराट और अनुष्का की शादी के मेकअप और फोटोग्राफी की बात की जाए तो पता चला है कि अनुष्का शर्मा ने अपने मेकअप और फोटोग्राफी के लिए ऑलरेडी फोटोग्राफर्स को बुक कर लिया है और वो इटली पहुंच चुके हैं। विराट कोहली ने कुछ दिन पहले ही चलती हुई ODI सीरीज से पर्सनल रीजंस की वजह से छुट्टी अप्लाई की थी। आखिर ऐसे कौन से पर्सनल रीजंस हैं जिसकी वजह से टीम इंडिया के कैप्टन छुट्टी ले रहे हैं? जब अनुष्का शर्मा की फैमिली एक हॉलिडे के लिए एयरपोर्ट पर फ्लाइट पकड़ती हुई नजर आई तो उनके पास जो बैग्स थे वो काफी बड़े बड़े थे। सवाल यही था कि हॉलिडे के लिए इतने बड़े बैग्स की जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ तक कि विराट कोहली जब अपनी फ्लाइट बोर्ड करने दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे तो वहां पर उन्होंने जैकेट पहनकर उसका हुड अपने सर पर ढक लिया था ताकि पब्लिक उन्हें देखे नहीं, पर फिर भी मीडिया की नजरों में तो आ ही गए। डिजाइनर सब्यसाची मुखर्जी को अनुष्का शर्मा के घर के बाहर कई बार स्पॉट किया गया था। ये माना जा रहा था कि वो उनकी वेडिंग ड्रेस ही डिजाइन कर रहे हैं। बहुत ज्यादा लोगों को तो नहीं, लेकिन सचिन तेंदुलकर और युवराज सिंह को तो क्रिकेट की दुनिया से इन्विटेशन गया ही है विराट कोहली की शादी के लिए। यहाँ तक कि अनुष्का शर्मा की फैमिली पंडित महाराज अनंत बाबा ऑफ अनंत धाम आत्मबोध आश्रम इन हरिद्वार हैज आल्सो फ्लू टू इटली अलोंग विद शर्मा फैमिली। आखिर उनकी जरूरत कहाँ थी? अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी हो चुका है बैंड्रा मुंबई में। तारीख है January 12, 2018 के लिए। तो वो ये पेपर्स लेकर इटली गए हैं तो उसके पीछे भी कोई कारण जरूर होगा। विराट कोहली के चाइल्डहुड कोच राजकुमार शर्मा ने भी छुट्टियां अप्लाई कर दी थी जबकि सेमीफाइनल मैच चल रहे थे उनकी टीम दिल्ली वर्सेस चेन्नई के बीच में। ये Under-23 के मैचेस थे जो काफी क्रूशियल थे। इन्हें छोड़कर राजकुमार शर्मा ने इटली जाना जरूरी समझा। इन सब बातों से पता चला कि आखिरकार विराट और अनुष्का शादी करने वाले हैं।